कि जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं, जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। आरएसएस के मोहन भगवत ने अपनी विजयदशमी स्पीच में कहा कि भारत में वतन अजीज, भारत में मजहबी इम्बैलेंस हो रहा। लोकसंख्या नियंत्रणावर आजकल बरीच चर्चा होताना दिसते। अलीकडेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनीही लोकसंख्येच्या असंतुलनाबाबत चिंता व्यक्त केली होती। सर्वांना सारखंच लागू असणारं लोकसंख्या धोरण असावं अशी मागणी त्यांनी केली आहे। आता मोहन भागवत यांना AIMIMचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी प्रत्युत्तर दिलंय। ओवेसी म्हणाले आहेत, मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढण्याऐवजी ती कमी होते, मात्र मोहन भागवत यावर बोलणार नाहीत। ओवेसींनी आकडेवारीचा हवाला देत सांगितलं की मुस्लिमांचं एकूण TFR म्हणजेच प्रजनन दर हा कमी होतोय। की जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं, जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। आरएसएस के मोहन भगवत ने अपनी विजयदशमी स्पीच में कहा कि भारत में वतन अजीज, भारत में मजहबी इम्बैलेंस हो रहा, और बोला कि आबादी पर देखना पड़ेगा। तो मोहन भगवत साहब, आपका खर्जा तो हम रखते नहीं, किसी के माई का लाल का नहीं रखते, तो आपका क्यों रखेंगे? अब आप मेरे को बता दो कि मोहन भगवत साहब ये बोले हैं कि भारत में रिलीजियस इंबैलेंस हो रहा है, तो हमारे मुल्क में एक चीज है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 2% हो गया, माने इंडिया का फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा गिरा। और सबसे ज्यादा अगर TFR रेट गिरा, मुसलमानों का गिरा, ये एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th उसका रिकॉर्ड बता रहा है।